बड़ी बड़ी दुकान पर गया हूँ मैं, लेकिन ढोकला लाइव मेकिंग नहीं देखी कभी। तो ये ढोकला आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ्रेश रहेगा। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस, हम आ चुके हैं गांधीनगर और आज ना मैं एक ऐसी दुकान पे आपको लाया हूँ कि आपको देख के ना मुंह में पानी आ जाएगा। इस दुकान के जायके हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लिए हैं, साथ में अमित शाह जी ने भी लिए हैं। मतलब ये मान लीजिए कि गुजरात के जितने भी बड़े से बड़े MP CM जो भी होगा ना, उन्होंने यहाँ के ढोकला खा रखे हैं। ऐसा क्या है इनके ढोकले में, चलिए चलते हैं अंदर, कुणाल जी से बात करते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, और देखते हैं भाई क्या क्या आइटम्स हैं इनके पास। मेन है इनका ढोकला, उसके बाद 3-4 आइटम और लेंगे और आपको टेस्ट करके बताएंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एड्रेस की बात करें, सेक्टर 21 रहेगा और नाम ही काफ़ी है पूजा पार्लर का, इतनी फेमस ये दुकान है गांधीनगर में। चलिए अंदर चलते हैं और आपको टेस्टी टेस्टी नज़ारे दिखाते हैं। तो भाई ऐसे ढोकला की मेकिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी, मैं आपको लाइव ढोकला मेकिंग दिखाऊंगा। अच्छा, ये क्या रहता है सर ये बैटर में? खीरा है। खीरा रहता है, चावल और दाल का। चावल और दाल का, दाल कौन सी रहेगी इसमें? चने की दाल। तो यहाँ पे ये ऑयल जाएगा सर? हाँ जी सर। ठीक है। हर जगह आपने जितने भी जगह ढोकला खाया होगा आपके सामने पहले ही बना हुआ होगा ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर लाइव ढोकला मेकिंग रहती है सबके लिए सर। कस्टमर जो भी आता है लाइव बनता रहता है। बढ़िया, ये आ गया बैटर, ये देखिए जरा। और जो आपको यहाँ ढोकला मिलेगा बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। ये आ गया धनिया, ये मिर्ची पाउडर, ठीक है कर दीजिए। यहाँ जाएगा अंदर, आप देख सकते कितने सारे ढोकला यहाँ पे बन रहे हैं। और ये कितना टाइम लगता है सर बनने में? 15 मिनट। 15 मिनट लगती है, ठीक है। और ये हमारा ढोकला यहाँ बन चुका है, इस पे जाएगा थोड़ा सा और तेल स्प्रेड होते हुए। 15-15 मिनट में बनते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब होगी इसकी कटिंग, ऐसी मेकिंग मैंने कभी नहीं देखी यार। इतनी बड़ी बड़ी दुकान पे गया हूँ मैं, लेकिन ढोकला लाइव मेकिंग नहीं देखी कभी। तो ये ढोकला आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ्रेश रहेगा और मुंह में घुलने वाला रहेगा, क्योंकि अभी अभी बना है। सर एक प्लेट में कितने पीस रहते हैं? 5-6 पीस रहते हैं। अच्छा, ये देखिए साथ में जाएगी चटनी। अच्छा, जो ग्रीन वाली चटनी रहेगी ये यहाँ पे थोड़ी मीठी रहती है, मीठी रहती है। लाल वाली तीखी रहती है, अपने दिल्ली में उल्टा होता है। लाल मीठी होती है, हरी वाली थोड़ी तीखी रहती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बर्गर बन रहा है, आप देख सकते हैं बर्गर सर ने पहले फ्राई कर दिए है और ऊपर जैम लगता है। हाँ सर, जैम, ठीक है। ये ग्रीन चटनी, ये भी मीठी चटनी है ग्रीन वाली? नहीं, ये स्पाइसी, ये स्पाइसी रहेगी। अच्छा, ढोकला के साथ ग्रीन मीठी है सर, ठीक है। ये ऊपर आगे खीरे, गुजरात के जो खीरे होते हैं काकड़ी होते हैं थोड़ी डिफरेंट रहती है ना, लंबी रहती है थोड़ी, लंबी रहती है। दिल्ली में थोड़ी छोटी और थोड़ी मोटी सी रहती है। ये प्याज और कैप्सिकम, ये चाट मसाला, तो ये आ गई ऊपर पैटी टिक्की और फिर चीज। गुजरातियों को चीज से बड़ा प्यार है। चलो भाई, अपना बर्गर पूरा रेडी है यहाँ पे। और यहाँ बनेगा समोसा पाव। सर ने पाव में बटर लगाया, हरी चटनी लगाई। फर्क इतना रहेगा कि इसमें जो वड़ा पाव है, वड़ा नहीं डलता, समोसा डलता है। और ये मसाला सर, ये घाटी मसाला रहता है ना, ये अपने मुंबई में काफ़ी फेमस रहता है। देखिए समोसा रहेगा इसके अंदर। एक और आइटम जो पूजा पार्लर का काफ़ी फेमस है वो है क्रिस्पी पकौड़ा। तो इसमें सर हरी मिर्च का पकौड़ा रहता है ये, ठीक है। हरी मिर्च और अनियन, ठीक है। इसके अंदर मिर्च और अनियन जाएंगे। इस साइड देखेंगे तो दाल वड़ा बन रहा है अपना। और ये देखिए भाई, अभी यहीं पे हमारा क्रिस्पी पकौड़ा भी बनेगा। ये रेडी हो चुके सर? हाँ, ठीक है। ये देखिए भाई, क्रिस्पी से लग रहे दाल वड़े। कस्टमर्स बाहर यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सही है, डायरेक्ट कस्टमर्स अपनी किचन को देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या सामान उनका रेडी हो। तो ये अपना क्रिस्पी पकौड़ा बन रहा है। ये पहले आ गई चटनी, ये स्पाइसी वाली रहेगी, है ना सर? ये ऑयल, ये रिफाइंड यूज़ करते सर? ठीक है, सिंगते, ठीक है। ये ऊपर से नमक, ये क्या रहेगा सर? जीरा मसाला, अजवाइन, अजवाइन है, ठीक है। ये ऊपर से अजवाइन,
ये हींग ढोकले वाला आटा है, ठीक है, ठीक है, बेसन अब ये जाएगा सीधा फ्राई होने। ये देखिए, अरे सर ये क्रिस्पी होने का इसका रीजन क्या रहता है कि ये वाला अलग से क्रिस्पी निकलता है? इसमें जो आरा लोट और बेसन का जो कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, उससे वो क्रिस्पी हो जाता है। अच्छा, और ये देखिए भाई अपनी पूरी कढ़ाई भर चुकी है और यहाँ हमारे क्रिस्पी पकौड़ा पूरे रेडी होने वाले हैं। 2-3 मिनट लगे इसको पकने में, तो मिर्ची और प्याज के रहेंगे पकौड़े। वैसे क्रिस्पी पकौड़ा और किसी में ही बन सकता है, यहाँ पे सिर्फ मिर्ची प्याज में बनता है। ठीक है, निकलने वाला सर? ठीक है, तो ये निकल चुका अपना क्रिस्पी पकौड़ा। सो गाइस हमारे साथ है कुणाल जी जो कि पूजा पार्लर के ऑनर है। आइए जानते हैं कि भाई इनके ढोकला में क्या ऐसा स्पेशल है। सर थोड़ा बताइए अपने दुकान के बारे में, कितने टाइम पुरानी है और कुछ आपकी यूएसपी क्या है सर? सर एक्चुअली ये 16 साल पुरानी है। अच्छा, अपना ढोकले वाला? हाँ जी। उससे पहले हमारा पूरी रेस्टोरेंट थी। अच्छा, फिर हमने टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज कर दिया, फिर हमने फास्ट फूड चालू कर दिया। ठीक है, और फिर वी आर फेमस फॉर ढोकला, और ढोकला जैसे गुजराती आइटम है आप सब लोग जानते हो, तो उसमें ही हम लोग अभी फेमस हुए हैं क्योंकि हम लोग लाइव ढोकला देते हैं। ये लाइव ढोकला मीन्स वोट क्या होता है कि हम लोग गरम गरम ढोकला सर्व करते हैं। अच्छा, और उसको खाने के लिए ज़्यादा वो एकदम सॉफ्ट रहता है, चटनी के साथ रहता है, डिलीशियस रहता है, मज़ा आती है। अच्छा अच्छा, और सर मैंने सुना है कि भाई मोदी जी अमित शाह भी यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं। हाँ, अच्छा, मतलब जब भी यहाँ पे, क्योंकि आपके यहाँ संसद भवन है सर जी, तो यहाँ पे जब भी मीटिंग वीटिंग होती है तो आपके यहाँ से जाते हैं? हाँ, तो सारे MP CM वगैरह जितने भी होते हैं जी जी, जी। यहाँ पे सारे ढोकला जी इंजॉय करते हैं। हाँ, क्या बात है। तो भाई चलिए आइटम्स ट्राई करते हैं और बताते हैं भाई कैसे यहाँ का स्वाद। तो भाई हमारे सामने आ चुका है पूजा पार्लर का स्पेशल स्पेशल फूड आइटम्स, और सर ये सेक्टर 21 की, मतलब ये गांधीनगर की वन ऑफ द फेमस दुकान में से एक है, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं हमारे पास क्या क्या हमने आइटम लिया। हमने लिया है ये बर्गर है, ये जैम बर्गर इन्होंने कहा था, 70 रुपीज़ का प्राइस है। फिर आ गई ये भजिया, क्रिस्पी पकौड़ा। अब इसके ऊपर जो जिस चीज़ की बनी है ना उसी वही चीज़ इन्होंने ऊपर भी डाली है। और उसके बाद हमारा बन समोसा 50 रुपीज़ का, ये नई आइटम है, यही पे सिर्फ मिलेगी, यही मिलेगी। ठीक है, ये 70-50, और फिर आ गया 50 रुपीज़ का हमारा लाइव ढोकला। यार पूजा पार्लर फेमस है, फेमस मैं समझ गया क्यों है, क्योंकि लाइव मेकिंग करते हैं ढोकला की। यहाँ पे कोई बना बनाया ढोकला नहीं है, आप जैसे ही आएंगे सामने सामने बनाएंगे और गर्मा गर्म ढोकला आपको मिलने वाला है। तो ये मैंने कहीं नहीं देखा सर, ये चीज़ कुछ यूनिक लगी मुझे। अब शुरुआत करते हैं, मुझे ढोकला ही सबसे बढ़िया लग रहा है। आइए सर ढोकले से ही शुरुआत करते हैं। ये देखिए एक बार, गर्मा गर्म बिल्कुल, तो बहुत नाजुक है। एक्चुअली अभी हम ऊपर बैठे हुए थे, सर से बात कर रहे थे, तो सर ने स्पेशली थोड़ा हमारे लिए मंगवाया और हमें टेस्ट करवाया, तो मैं टेस्ट समझ गया था इसका। लाल चटनी यहाँ तीखी रहेगी, ग्रीन वाली थोड़ी सी खट्टी मीठी रहेगी। मतलब इतनी आसानी से घुल रहा है तो जरूरत ही नहीं पड़ रही अपनी दांतों का यूज़ कर लेगी। सर प्लीज़ लीजिए ना, गांधीनगर आज हमने बहुत एक्सप्लोर करा साथ में, तो पेट तो काफ़ी भरा हुआ है हमारा, लेकिन फिर भी टेस्ट ही इतना लग रहा है कि बस। ये ग्रीन चटनी है, इनकी ग्रीन चटनी बड़ी फेमस है यहाँ पर। नियरली वही स्पाइसी वाली चटनी है, लेकिन इसमें मीठापन भी आ रहा है। जो धनिया पुदीने की चटनी रहती है हमारी वही रहेगी, पर मीठापन के साथ रहेगी, फिर खट्टी मीठी रहेगी, इसका मज़ा अलग है। अपना क्रिस्पी पकौड़ा पे आते हैं, ये पकौड़ा बहुत क्रिस्पी रहता है यहाँ पे है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे काफ़ी सही रहेगा चाय वगैरह के साथ। ये मिर्ची वाला, मिर्ची का पकौड़ा मेरा फेवरेट है। स्वाद है भाई, स्वाद है। आपके यहाँ पे कहते हैं कि
બાપો આ તો ખૂબ સરસ છે ખૂબ સરસ છે ગુજરાતીમાં તમે ખૂબ સરસ છે મોજ પડી ગઈ મોજ પડી ગઈ સચ મેં મોજ પડી ગઈ ખાના ઇતના સ્વાદિષ્ટ હૈ ये काफी प्रख्यात भी है इनका खाना बहुत ज्यादा फेमस है आप भी लीजिए ना सर मुझे बार बार आपको कहना पड़ रहा है वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कहेंगे ऋषभ भाई खुद ही खा रहे हो नहीं नहीं ऐसा कुछ तो आइए बन समोसा ट्राई करते हैं भैया जो वड़ा पाव होता है वड़ा हटा के समोसा डाल दिया है तो इसका टेस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं बाकी सही लग रहा है मसालेदार है समोसा बाकी जो अंदर की चटनी है ना मसाले वाली ये थोड़ी आपको स्पाइसी फील करवाने वाली है फिर आते हैं अपने जाम बर्गर पे है ना जाम बर्गर बीच में जाम भी डली है इसमें चीज़ भी डली है हरी चटनी भी है मतलब सब कुछ डला हुआ है इसके अंदर मेयोनीज भी है फूड बढ़ गया है बाकी आइटम्स में यहाँ पे मेन्यू में 200 आइटम है नियरली पीछे ही मेन्यू है जस्ट और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह भी रहती है और स्नैक्स भी रहता है लेकिन भाई कुणाल सर ने हमें खुद बताया ये आइटम मेरी बेस्ट है यहाँ पे ये चार बेस्ट आइटम खासकर ये ढोकला ढोकला आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए गांधीनगर का भी विजिट करते हैं ना तो ये वाला ढोकला आपका खाना एक बार बनता है बाकी आइटम भी बढ़िया हैं सारे आइटम मुझे सही लगे सर और फिर आ गई ये कुछ सर ने हमें बताई उनके नींबू पानी और लस्सी 10 रुपीज़ की बॉटल है नींबू पानी की और 15 रुपीज़ की छाछ की बॉटल है तो रेट मुझे बहुत बढ़िया लगा आइए सर नींबू पानी ट्राई करते हैं ये एक तरीके से इनका खुद का ब्रांड इन्होंने बना लिया प्रिंट वगैरह कर दिया अभी दूर दूर तक जाता भी है प्रॉपर शिकंजी का टेस्ट है बटर मिल्क है वैसे पता नहीं नींबू पानी के ऊपर पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए टेस्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर धनिया वगैरह भी डाली हुई है बढ़िया नमकीन छाछ है सो आइए ट्राई करें कभी गांधीनगर विजिट करते हैं तो मुझे लगता है कि एक मतलब अगर आप खाने के शौकीन हैं और गांधीनगर आप आते हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए गांधीनगर थोड़ा मैं कहूँगा कि खुला एरिया है यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि कोई बहुत बड़ी मार्केट फूड की रहेगी थोड़ा एक एक जगह आपको मिलेगी यहाँ पे अगर आप ढूंढना चाहें तो यहाँ पे तो उसमें आप पूजा पार्लर को आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं वीडियो लाइक करें शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस